नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन एक खास कार्यक्रम के साथ। जी हां, वर्ष 2019 का पहला चंद्र ग्रहण कल 21 जनवरी सोमवार को लगने जा रहा है। भारतवर्ष में जहां हम रहते हैं यहां इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम अभी पूरी तरह से विस्तार से चर्चा करेंगे पंडित आनंद वंदर नौटियाल जी से, जो हमारे साथ उपस्थित हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी से एक गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे थोड़ा सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक जरूर करें। जैसे ही कोई नया इंफॉर्मेशन न्यूज हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज पे अपलोड की जाएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं उस चर्चा की ओर, चंद्र ग्रहण। पंडित जी, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये चंद्र ग्रहण होता क्या है, क्या है चंद्र ग्रहण? नमस्कार सर। चंद्र ग्रहण सूर्य और राहु के बीच में जब भगवान नारायण जब सागर मंथन से जब अमृत निकला था तो उस अमृत को जब निकला तो वो देवताओं के लिए भगवान नारायण ले जा रहे थे। तो भगवान नारायण ने एक विषमोहिनी रूप जो है धारण किया है, उस मोहिनी रूप में भगवान ने जो है देवताओं को तो अमृत पिलाया और राक्षसों को मदिरा। तो उसमें जो राहु देवता राहु राक्षस था उसने जो है भगवान को देख लिया कि ये जो हमारे से छल कर रहे हैं। तो उन्होंने छल देखने के बाद उन्होंने राक्षस ने जो अपना स्वरूप जो है वो देव स्वरूप बना के और देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। देवताओं की पंक्ति में बैठ गए तो चंद्रमा ने और सूर्य ने जो है उनको देख लिया भेष बदलते हुए। तो जब तक वो बताने जा रहे थे भगवान नारायण को मोहिनी रूप में, तब तक उन्होंने अमृत पी लिया था। तो भगवान नारायण को बताया तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको उनका धड़ अलग कर दिया। जो राहु है वो हमारा गर्दन से ऊपर जो धड़ है हमारा वो राहु है और गर्दन से नीचे जो केतु है तो उन्होंने पीने के बाद जो है उनको पिया गया। तो पीने के बाद जो है उन पे सूर्य और चंद्रमा भी ग्रहण लगता है। उन्हों श्राप है कि जब भी चंद्रमा कि एक रेखा में या एक परिधि में एक स्थान आने से वो जो है ग्रहणित करता है, यानी कि उसको जी। पाप लग जाता है। तो उस दिन जो है भगवान नारायण ने कहा कि आप जब लोग आपकी आराधना करेंगे तो आप पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण इस कारणवश लगता है। मैं बता दूं कि पंडित जी से आध्यात्मिक क्या इसका पक्ष है चंद्र ग्रहण का, उसके बारे में आप बता रहे थे। चंद्र ग्रहण का एक खास समय होता है, एक खास समय के लिए लगता है और उसके कुछ प्रभाव होते हैं। उसमें कुछ चीजें निषेध होती हैं कि ये चीज ना करो और ये चीज करो, उससे आप पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आप पंडित नौटियाल जी से जानेंगे। जी पंडित जी, पहले ये बताइए कि चंद्र ग्रहण का समय क्या हो रहा है भारत में? देखिए, पहली बात तो रोहित जी, कल भारत में चंद्र ग्रहण नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा, ना उसका कोई प्रभाव रहेगा। फिर भी जो है पूरे विश्व में जहाँ जहाँ वो लग रहा है वहाँ का जो समय है वो 9:04 से लेकर 12:21 तक रहेगा। वो केवल अफगानिस्तान, दक्षिणी हिंद महासागर और आपका यूरोप, अमेरिका, इन देशों में रहेगा और इन्हीं में ही थोड़ा सा प्रभाव भी उसका रहेगा। जी, तो भारत के लोगों को बिल्कुल संकोच करने की कोई डर की जरूरत नहीं है, किसी कोई प्रभाव नहीं है। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में जैसे बहुत सी स्त्रियां गर्भ स्त्री होती है, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, थोड़ा सा वो डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो वो थोड़ा सा तो वो न्यूज़ के माध्यम से थोड़ा सा उसे स्पष्ट नहीं किया गया है कि कहाँ क्या रहेगा। तो आप भारतवर्ष में रह रहे हैं तो वहाँ इस यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। जो रहेगा जिन देशों में लग रहा है उन्हीं में प्रभाव रहेगा। इसमें जो है भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, जितना हो सके मंत्रों का जाप करें जब जहाँ लगता है। अब भारत में नहीं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आराधना करनी चाहिए भगवान शिव की जितना हो सके। इस सूर्य स्तोत्र हुआ या भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम हुआ, महामृत्युंजय पाठ हुआ, इन आदियों का आप अध्ययन करें, ध्यान करें। मूर्ति का स्पर्श नहीं होता है जब भी ग्रहण लगते हैं। जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, कुछ राशियों पे भी इसका प्रभाव होता है ग्रहण का, तो वो वैसे कौन सी राशि है जिस पर
इस चंद्र ग्रहण का, जो साल का पहला चंद्र ग्रहण 21 जनवरी को लगने वाला है, उसका क्या प्रभाव किस राशि पे पड़ेगा? जी पंडित जी, कोई राशि के बारे में बताइए, किस राशि पे प्रभाव पड़ रहा है चंद्र ग्रहण का? रोहित जी, जो कल जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो पुष्य नक्षत्र के कर्क राशि पे है, तो कर्क राशि वाले जातक या जातिका, यानी कि पुरुष या स्त्री, वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहें। और भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं, मैं पुनर्वृत्ति दोबारा बोल रहा हूँ, तो इसलिए उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो है कर्क राशि वाले, जैसे कि सब चावल हो गए या सफेद वस्तु, अन्न हुआ, वस्त्र हुआ, उसका आप दान कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं, उनको जल आभिषेक, क्योंकि माघ महीना है, कुंभ का समय भी है, तो भगवान शिव की आराधना जितना आप करेंगे उतना आपके जो मनोरथ पूर्ण सिद्ध होंगे। कौन सा समय उचित रहेगा, सही रहेगा? देखिए, पूजन में जब ग्रहण जब लगता है और जब तक रहता है तब तक ही आराधना का जो है संपूर्ण फल मिलता है, सिद्धि, जिसे साधना का भी एक स्वरूप है, लोग बहुत से लोग उसे सिद्धि कहते हैं, तो उसकी आराधना कर सकते हैं। उसके बाद घर में जो है गंगा जल आदि छिड़क के, और गंगा जल ही अपने जल में करके उसको स्नान करके, तब आप भगवान को स्नान करके आप आराधना कर सकते हैं। तो जैसे नित्य पूजा हम करते हैं उसमें हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल नित्य, सुबह प्रातः अपना, और सुबह ही लग रहा है कल, इसलिए सुबह जो है 9 से लेकर आप 12:30 बजे तक जो है आप आराधना, ज़्यादा शक्ति मिलती है, ज़्यादा जितना आप कोई कार्य करेंगे उसका संपूर्ण फल आपको मिलता है, तुरंत मिलता है जी। तो आप थे पंडित आनंद वर्धन नौटियाल जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे वर्ष के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कल 21 जनवरी 2019 को लगने वाला है। जैसा कि आपने बताया कि चंद्र ग्रहण जो है भारत में नहीं लग रहा है, इसका कोई प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप आराधना जरूर करें, पूजन जरूर करें, आपको भगवान की कृपा मिलेगी। पंडित जी, आपका हमारे चैनल में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद रोहित जी आपका। और आप सबसे एक बार फिर गुजारिश, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, आपको जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और एक खास बात, अगर चंद्र ग्रहण से संबंधित या कोई भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब तुरंत मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।